हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पेड़ा रेसिपी, जो कि एक स्वीट है, बहुत ही टेस्टी और यमी सा। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ। आप देखिए कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाल दिया है अमूल का फ्रेश क्रीम। तो मैंने एक पैकेट क्रीम लिया है और अभी मैं इसको चलाऊँगी। इसको चलाते रहना है। मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, आप दूसरा कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें अभी डालूंगी करीब 100 ग्राम चीनी, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो ये मैं बनाऊंगी मैं अपने स्कूल के कलीग के लिए, जो कि ज़्यादातर डायबिटिक हैं, इसलिए मैं इसमें शुगर का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ। आप अपने मन के पसंद से दीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, जो 5 रुपये वाला पैकेट है। मैंने 2 पैकेट डाला है इसमें और अभी मैं सभी को अच्छे से मिलाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएगा तो हमें इसको अच्छे से फेंटना होगा। लेकिन फिर भी लम्स बन ही जाता है, लेकिन हमें इसको अच्छे से फेंटना होगा, इसको अच्छे से मिलाना होगा। मैं इसमें डाल रही हूँ फिर से एक और पैकेट मिल्क पाउडर। मैंने अमूल स्प्रे का 10 रुपीज़ वाला पैकेट लिया है, ताकि ये जल्दी से जल्दी गाढ़ा हो जाए। मैं जब उदयपुर गई थी, जो कि त्रिपुरा स्टेट में है, वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर में पेड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस दुकान है और जहाँ पर मतलब पेड़ा मिलता है, तो सभी बोलते हैं मोनादार पेड़ा। मोनादार पेड़ा वो बहुत ही टेस्टी है, आप कभी जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा। तो मैं उसी को ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं वही मतलब कोशिश कर रही हूँ कि उन जैसा मैं बनाऊँ। उनसे इंस्पिरेशन लेकर ही मैं आज ये पेड़ा बना रही हूँ। तो देखिए, लम्स बहुत बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको अच्छे से मिक्स करना होगा, और भी मिलाना होगा और इसको चलाते रहना होगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा, हमारे जो पेन है इसके नीचे चिपक जाएगा। ये जो पेड़ा रेसिपी है बहुत ही मजेदार है, आप कभी भी घर पर इसको बना सकते हो, कोई भी फेस्टिव ओकेशन में बना सकते हो। देखिए, बहुत से गाढ़ा हो गए हैं अभी, तो मैंने इसको ले लिया है, थोड़ा सा घी ले लिया है, ताकि मैं इसके छोटे छोटे जो बॉल्स बना सकूं। हाथ में लगा कर मैं थोड़ा हाथ में लगा लूँगी। और ये जो डो है, मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, ताकि ये मतलब जो बॉल्स बनाने में हेल्प हो। तो देखिए, मैंने इसको छोटे छोटे पेड़े जैसे बना लिए हैं। आप इसको क्या करना, इस डो को आप मतलब 2-3 घंटे के लिए अगर फ्रिज में छोड़ देते हो तो वो थोड़ा सेट हो जाता है और आपको पेड़े बनाने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए, लेकिन मैं तो फ्रिज में रख नहीं पाई, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी में बना लिया था, तो इसके लिए जो मेरा पेड़ा है उसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन आप इसको फ्रिज में रखिएगा, तो ये सेट होने के बाद आप जब इसका पेड़ा बनाएंगे, जैसे मतलब राउंड जैसा बॉल बनाएंगे, तो ये दिखने में बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, मैंने इसको तो पेड़ा बना लिया है हाथ से, हाथ में थोड़ा सा घी लगा कर मैंने इसमें थोड़ा गूंद लिया था, और उसको बनाकर मैंने इसके बीचों बीच एक किशमिश डाल दिया है, ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। आप किशमिश के साथ काजू भी दे सकते हो या फिर चेरी भी दे सकते हो, तो इससे इसका मतलब दिखने में और भी सुंदर लगेगा। और मैं इसको बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में ज़रूर रखूँगी, ताकि ये मतलब थोड़ा सा सेट हो जाए और खाने में अच्छा लगे, क्योंकि अभी ये एकदम खाने में नरम नरम लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना ही होगा। आप पहले भी रख सकते हो, पहले रखने से आपको पेड़े बनाने में आसानी होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए करीब 19 पेड़े बनाए हैं, एक पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम से। एक पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम, 100 ग्राम चीनी, और मैंने दिया है इसमें करीब 3 पैकेट अमूल स्प्रे, 2 5 रुपये वाला और एक 10 रुपये वाला। तो देखिए,
हमारा पेड़ा एकदम रेडी है, मैंने इसको टिफिन बॉक्स में भर लिया है, मैं इसको जाके स्कूल में खिलाऊंगी सभी को। आप इसको घर पर ज़रूर बनाइए, खाइए, तब तक स्वस्थ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।